बच्चों, हाउ आर यू? हियर दिस इज योर साइंस टीचर निशा मैम एंड विद योर ओन चैनल साइंस पेडागॉजिक्स। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेटरोजेनियस मिक्सचर्स। मींस एज वी नो दैट मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन को देखें और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करें तो वो थ्रू आउट सॉल्यूशन मींस पूरे सॉल्यूशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जबकि हेटरोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस। इट मींस इनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती है। कहीं कंपोजिशन ज़्यादा है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की कम है। सो हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कोलाइडर सॉल्यूशंस एंड सेकेंड वन इज सस्पेंशन। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस एंड सो ऑन। सो फर्स्ट लेट अस डिफाइन कोलाइडर सॉल्यूशंस। इट इज़ अ हेटरोजीनियस सॉल्यूशन, मीन्स ये वो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स नीदर डिजॉल्व। सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना तो डिजॉल्व होते हैं कम्प्लीटली नॉर सेटल डाउन इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में ना तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं ना ही कम्प्लीटली सेटल डाउन होते हैं। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के बीच में सस्पेंडेड रहते हैं। ओके, सो दीज आर द हेटरोजेनियस मिक्सचर्स एंड दीज मिक्सचर्स आर नोन एज कोलाइडर सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन इज पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इट मीन्स पार्टिकल्स की साइज ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ओके, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होती तो वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती तो वो सेटल डाउन हो जाते। बट इनकी साइज जो है वो इन बिटवीन दीज टू हेटरोजेनियस मिक्सचर्स 1 to 1000 नैनोमीटर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड नैनोमीटर? एक्चुअली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meter। ओके, यानी पार्टिकल्स की साइज इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि वो ना तो सस्पेंडेड है ना ही वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व है। सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी साइज के भी नहीं है कि हम उन्हें नेकेड आइज यानी बिना किसी डिवाइस के देख सकें। वी कैन यूज माइक्रोस्कोप टू सी दीज पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप कोई भी कोलाइडर सॉल्यूशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन, अगर आप मिल्क को अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो क्या आपने कभी देखा है कि उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाए? नो, इट रिमेन्स सेम। सो वॉट इज टेलिंग अबाउट दिस वन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैथड्स। एज वी कैन डू फिल्ट्रेशन मैथड इन सस्पेंशन, अगर पार्टिकल्स की साइज कंपेरेटिवली बड़ी है तो हम उन्हें फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, वी कैन सेपरेट मड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक। ओके, बट पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि आप फिल्टर करके उन्हें सेपरेट कर सके। ओके, इट मीन्स पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। यानी जब हम इसको फिल्टर करते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन को तो हमें कोई भी रेजिड्यू नहीं मिलता है, कोई भी रेजिड्यू नहीं मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में दैट वेदर वी कैन सेपरेट कोलाइडर पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, नो, और इज देयर एनी रेजिड्यू लेफ्ट व्हेन वी फिल्टर कोलाइडर सॉल्यूशन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, देन योर आंसर वुड बी नो, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्वेंट पार्टिकल्स दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट वन इज कोलाइडर सॉल्यूशंस आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। अगर आपको कोलाइडर सॉल्यूशन दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और इट इज ट्रांसल्यूसेंट, तो ये सॉल्यूशंस की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं जबकि ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मीन्स नीदर दे आर ओपेक नॉर दे आर ट्रांसपेरेंट, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी? दे आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। पार्टिकल्स शोज ब्राउनियन मोशन। पार्टिकल्स, कोलाइडर पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन मीन्स ज़िगज़ैग मोशन शो करते हैं। उसका रीजन क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज,
व्हाट इज द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स 1 to 1000 नैनोमीटर. व्हेन दे हिट बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स विद डिफरेंट फोर्स, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग अलग फोर्स से डिफरेंट डायरेक्शन में हिट करते हैं और इस कारण से ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं. व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस वन, दैट पार्टिकल्स हिट विद ईच अदर एंड दे मूव इन अ zigzag पाथ, मीन्स रैंडमली पाथ, zigzag पाथ में मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज कोलाइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट. इट मीन्स अगर आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपने एक बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है और अगर हम उस पर वन बीम ऑफ लाइट फॉल कराते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं. दे स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. यानी कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज दे आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स उनमें जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है और पार्टिकल्स की साइज कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से बड़ी है और इतनी बड़ी है कि वो इजीली लाइट को स्कैटर कर सके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. सो कोलाइडल पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आर मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, क्लाउड, मिस्ट, जैमस्टोन. देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. चिल्ड्रन हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था, सॉल्यूशंस मीन्स ट्रू सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी दो मेजर पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या होता है? सॉल्यूट विच इज ऑलवेज लेस इन अमाउंट, एंड सेकेंड पार्ट इज सॉल्वेंट विच इज मोर इन अमाउंट. अब यहाँ पर उसी चीज के हमने दो डिफरेंट टर्म्स दे दिए हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. अब यहाँ पर डिफरेंट नेम देने का मेजर रीजन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर हम चाहे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करें, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करें, या गैस को लिक्विड में मिक्स करें, सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन की फेज है वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी. इट मींस सॉल्यूशन की लास्ट फेज, सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमेशा तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से किसी एक स्टेट ऑफ मैटर में वो एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया, शुगर इज अ सॉलिड एंड वाटर इज अ लिक्विड, लेकिन शुगर उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है और सॉल्यूशन की फेज क्या होती है? लिक्विड फेज. ओके, सिमिलरली इफ यू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ओके, एरेटेड ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस. लास्ट फेज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है और सॉल्यूशन की फेज लिक्विड स्टेट हो जाती है. एलॉयस, मेटल प्लस नॉन मेटल, वेदर यू कैन टेक मर्क्यूरी ऑल्सो, मर्क्यूरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल. ओके, तो मेटल एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, उस कंडीशन में भी एलॉय की स्टेट क्या होगी? सॉलिड. इट मीन्स सॉल्यूशन हमेशा सिंगल स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है. अगर अब हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट की अपनी फेज हो जाती है और सॉल्यूट की अपनी फेज हो जाती है. अब वो दोनों ही फेज के अंदर एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके, दिस मेडिसिन इज यूज्ड इन एज अ रेमेडियल ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी. ओके, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स बोथ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. इट मे बी सॉलिड और लिक्विड, इट मे बी लिक्विड और गैस, इट मे बी सॉलिड और गैस. दिस इज द रीजन कि हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमें उनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज करनी होती है. फर्स्ट टर्म इज डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज हमेशा सॉल्यूट को डिनोट करती है. इट मींस इट इज ऑलवेज लेस इन अमाउंट, पार्टिकल्स आर ऑलवेज लेस इन अमाउंट, और वी कैन से इट इज अ सिनोनिम ऑफ सॉल्यूट. सेकेंड इज डिस्पर्सिंग मीडियम. डिस्पर्सिंग मीडियम ऑलवेज रिजेंबल्स सॉल्वेंट. वहाँ पर जहाँ सॉल्वेंट अपन सॉल्यूशन में यूज करते थे विच इज मोर इन अमाउंट, इन द सेम वे हेयर वी आर यूजिंग द टर्म डिस्पर्सिंग मीडियम.
क्यों हम यूज करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर में कोलाइडर सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं. ओके नाउ चिल्ड्रन इन दीज पॉइंट्स आई टोल्ड टू यू दैट कोलाइडर सॉल्यूशंस रिमेन्स as it is means when we left undisturbed these solutions the particles will never be settled on. So what is the reason, aisa kya reason hai ki collider solution mein particles hamesha suspended phase mein rehte hain? And the answer of this question is they carry similar charges. Yes children, collider particles mein solute particles hamesha similar charges carry karte hain. And as we know that similar charges always repel each other. Similar charges always repel karte hain. Aur repel karne ke karan ko particles apne aap ko aapas mein ek dusre ko repel karke karte rehte hain. Aur is karan se repulsion ke karan ko kabhi bhi settle down nahi hote. So if there is any question being asked to you that why the collider solutions particles remains suspended in the solvent, then what would be the answer? They carry similar charges. वो similar charges carry करते हैं. And what are the examples of collider solutions? Fog, mist, cloud, pumic stone. So many examples we can see around us are of collider solutions. So now let us discuss about the types of collider solutions on the basis of physical state of solute as well as solvent. On the basis of physical state of dispersed phase and dispersing medium, there are various types of collider solution. First is when dispersed phase is solid. Okay, now we can have three types of combination: solid plus solid. It means when dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid. These types of colloids are called as solid salts. And examples of such types of colloids are glue, gemstone and pearl. Glue means the colored glue, not transparent colorless glue, but colored glue is an example of such kind of colloids. Second is when solids are dissolved in liquid. Okay, it means dispersing phase in liquid state. These examples are called as sol. Okay, such types of collider solutions are known as sol. And examples of these types of collider solutions: paints, starch, and proteins. Yes, various soluble proteins are examples of such kind of colloids in which solids are dissolved in liquid state. What happens when solid dissolve in gaseous state? Then it is, these are called as solid aerosols. Okay children, so there is a sequence in this one. Solid sol means solid dissolve in solid, sol means solid dissolve in liquid, solid aerosol. Where the aero word comes, then you can be just think about this one, that dispersion medium is air. Okay, examples: smoke, smog and dust particles in air. Yes children, smoke means only carbon particles. What is smog? Dust, carbon particles, unburnt carbon particles plus water vapors. This is called as smog. And dust particles in air, all these are examples of solid aerosol. Now next is when liquid works as a dispersed phase. Okay, when liquid dissolve in solid, it is called as gel. Jellies, cheese, butter, all these are examples of gel. Okay children, so next time जब भी आप butter, cheese ये purchase करने जाएंगे तो आप कौन सा collider solution purchase कर रहे हैं? That is gel. Be remember this thing. When liquid dissolve in liquid, obviously these two liquids must be immiscible in each other, because if they are miscible, then they form normal true solution. What is the name of this time of collider solution is emulsion. Okay, milk, hair cream and mayonnaise. I know children that all of you are very very fond of mayonnaise. So what type of mayonnaise? Mayonnaise are the example of emulsions. And in the emulsion, which one is the dispersed medium? Dispersed medium is in liquid state, as well as dispersed phase is also in liquid state. Both are liquid, but both liquids are immiscible liquids. Next is when liquids dissolve in gases. Okay,
Again, we have the common name, that is liquid aerosol. Here, solid aerosol, when solid dissolve in gas. Liquid aerosol, when liquid dissolve in gas. Examples, mist, fog, clouds and insecticide sprays. Means, sprays which are used to kill insects. Okay, so these are insecticides sprays. Next, last category is when dispersed phase is present in gaseous state. Okay, children. So again, we have three combinations, gases in solid, gases and liquid, and gas in gas. Okay. So let us consider about first one, when gases dissolve in solid state, these are called solid foam. इन्हें क्या कहते हैं? Solid foam. Examples, foam, Punic stone and ice cream. Means, ice cream is a colloidal or it is a solution? No, ice cream is a colloidal solution. And what type of colloidal solution? It is solid foam. When gases dissolve in liquid state, then it is called as foam. And examples are whipped cream, means the cream which is used to decorate ice cake. Okay, that is whipped cream. And froth. Froth is a suspension colloidal solution which is formed during the extraction of metals. Okay, children. Next is when gases dissolve in gases. As we know that all gases are soluble in each other. This we know because air is an example of homogeneous mixture. But children, some gases, for example, helium and xenon, these are two noble gases. What are noble gases? Which are in unreactive. Okay. Or we can say these are inert gases, and examples of these gases, helium and xenon. These two are immiscible under certain condition. Normally, when gases dissolve in gases, they form true solution. Okay. But again, we have one exception in this category. And what is that exception? That is helium and xenon. These two are immiscible gases and they form gas in gas colloidal solution. So children, on the basis of their physical state of dispersed phase and dispersing medium, we have these such kind of colloidal solutions, as we have already discussed various types of true solutions also. Colloidal solutions have many more utilization, many more applications in our daily life. For example, colloidal iron is used in anemic persons, means it is one of the remedial treatment of anemic persons. They have medicinal value also. Even cleansing action of soap, means when you apply soap on dirty clothes, then that action, cleansing action of soap, is can be explained with the help of colloidal solutions also. So children, this is all about colloidal solution. Today we have learnt about properties of these one. Okay, second one, various types of colloidal solutions. What do you mean by dispersed phase and dispersing medium? Now, in our next video, we will learn more about suspension.